महाराष्ट्र में एक और कोरोना महामारी के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की किल्लत है, इनकी कालाबाजारी की खबर आ रही है, जनता परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीति हो रही है, यह नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते हुए राष्ट्रीय भीम सेना के अध्यक्ष आर पांडेय ने कहा है कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हेल्थ इमरजेंसी घोषित करनी चाहिए, साथ ही सरकार को जिम्मेदारी उठाते हुए कोरोना मरीजों के लिए मुफ्त रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन उपलब्ध करके देना चाहिए। अगर कोरोना का यह इंजेक्शन मुफ्त नहीं होगा तो जल्द ही राष्ट्रीय भीम सेना की ओर से आंदोलन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी आर पांडेय ने दी। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाया कि जो कोरोना जो बीमारी जो महामारी चल रही है उसके बारे में और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन जो बाजार में काला मार्केट हो रहा है, काला बाजार हो रहा है, उस बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। लोगों को बहुत असुविधा हो रही है, हम कुछ सरकार से आपके माध्यम से सरकार को हम बताना चाहेंगे और कुछ मांग कर रखना चाहेंगे, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आपने देखा होगा कि जो कोरोना जो बीमारी है जो आज मतलब जो आज देखना मतलब कि जो सेकेंड स्टेज वापस फिर से आया है, लेकिन हमारे जो सिस्टम में पहली बार ऐसा हुआ रहेगा कि जो कोरोना बीमारी का इलाज निकला नहीं लेकिन उसका वैक्सीनेशन निकल गया है, ये पहली बार ऐसा होगा। पहला क्या निकलना चाहिए, मेडिसिंस निकलनी चाहिए कि वैक्सीनेशन, लेकिन हम लोग ने इतनी फास्ट प्रगति कर दी कि हमने वैक्सीनेशन निकाल लिया और वैक्सीनेशन के भी कुछ कुछ के लोगों को प्रभाव अच्छे हैं, कुछ लोग पे प्रभाव गलत हो रहा है, कुछ लोग वैक्सीनेशन लेने के बाद बीमार पड़ रहे हैं और कुछ लोग उसको झेल नहीं पा रहे, तो उसके मतलब कि कोरोना उनको फिर से कोरोना हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो FDA ने इस बारे में पूरा कॉन्सेंट्रेट रिसर्च करके प्रॉपर क्या है ये करना चाहिए। और हमारा जो मुद्दा था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन है मार्केट में काला बाजार हो रहा है, पहली बात तो FDA जो है उन्होंने एक गाइडलाइन जारी करना चाहिए सब हॉस्पिटल्स को, दवाखानों को, इनको, कि कोरोना पेशेंट को कौन सी मेडिसिन लगनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन से ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन कैसा हो रहा है, आपने देखा जब कोरोना नया नया आया था तो लोगों ने एड्स की जो दवाई है इंजेक्शन वगैरह वो दी, उससे बहुत सारी मौतें हुई क्योंकि हमको ही पता नहीं था कि क्या इंजेक्शन असर करेगा, वायरल लिए था वायरल बोल के, तो लोगों ने जितने भी एंटीवायरल थे जो हाई डोज की यूज़ किए, लेकिन इस दौरान ऐसा हुआ कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है जिसको मतलब कि लंग्स तक इन्फेक्शन जा रहा है, जो लंग्स में कंजक्शन हो रहा है, तो रेमडेसिविर इंजेक्शन उसमें काम कर रहा है। लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना के लिए खास बनी नहीं है या कोरोना के मापदंड के हिसाब से नहीं है, लेकिन अभी कुछ नहीं होने से कुछ होना बेहतर, तो कुछ लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन से फ़ायदा होने लगा, तो उसका मतलब मार्केट में जो है शॉर्टेज तैयार हो गया, क्योंकि इस तरह हुआ हो गया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन से लोग ठीक हो रहे या उनका मतलब क्योर रेट सही है, जिसकी वजह से जो कालाबाजारी चालू हो गई। हमने कुछ दिनों पहले देखा कि जो मेडिकल स्टोर्स में, हमने टीवी में भी देखा कि ऐसे दिखाया कि 11,000-12,000 रुपये का एक जो इंजेक्शन, जो लगभग 1,500 या 2,000 का इंजेक्शन होगा बनने में, वो 12,000-15,000 में लोगों को, गरीब लोगों को लूटमार मचा के लोगों ने, जो दलाल लोग बिचौली है, ऐसे टाइम पे लोग मुनाफा बनाने के चक्कर में इसमें मतलब मेडिसिन वाले भी हो सकते हैं, मेडिकल स्टोर वाले भी हो सकते हैं या कोई माफिया हो सकता है, इस तरह काम करके लोगों को मतलब नुकसान पहुँचा रहा है और जो गलत चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये जो प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने ये करना चाहिए, पुलिस व्यवस्था हो, कलेक्ट्रेट है, जो भी डिपार्टमेंट इसके ऊपर है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर, सबसे पहला जो रेमडेसिविर का जो एक्सपोर्ट था वो बंद करना चाहिए, जितने भी जो रेमडेसिविर यहाँ से जो दूसरे देश में जा रही है उसको रोकते हुए हमारे देश में जो पर्याप्त जब तक मिलता नहीं है हमारे पेशेंट्स को, तब तक के लिए रोक लगानी चाहिए, दूसरे लोगों को भी दे या तो उनका प्रोडक्शन बढ़ाए, क्योंकि अब फिलहाल ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन लोगों को फ़ायदा पहुँचा रही है। सेकेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर जितनी भी एक्सरसाइज, जितनी भी ड्यूटी है वो हटा देनी चाहिए, और साथ ही में जितनी दवाई कंपनी है उनको बोलना चाहिए कि इस वक्त आपदा है, ये वेरी इमरजेंसी सिचुएशन है, तो गवर्नमेंट जो कंपनीज है वो डे नाइट काम करते हुए और ये इंजेक्शंस को नो प्रॉफिट नो लॉस में लोगों तक पहुँचाना ही चाहिए, और सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज है वो सब जितना भी जो साटा आएगा वो मतलब कलेक्ट्रेट की तरह जाके, जैसे उन्होंने बोला कलेक्टर को देंगे, वहाँ से जो हॉस्पिटल्स में बटे और लोगों तक पहुँचे। और मैं चाहता हूँ ये एक जैसा कोरोना है जो वैक्सीनेशन फ्री दे रही है सरकार, तो इसको भी एक आप बता ना इमरजेंसी घोषित करके या इमरजेंसी में जैसे आपदा बायोलॉजिकल वार समझ के आपदा के अंदर फ्री मिलना चाहिए, ये मेरी मांग है। और मैं चाहता हूँ कि जो इंजेक्शन का प्रोडक्शन बढ़ा, बीच में आप देखें शॉर्टेज क्यों हो गया, क्योंकि आपने देखा होली का दिन था, 2 दिन छुट्टी थी, इसमें ना
जो बड़ी बड़ी कंपनी ने अपना प्लांट बंद रखा था, इसकी वजह से रेमडेसिविर इंजेक्शन उस टाइम सोमवार मंगलवार को एकदम कम का शॉर्टेज क्रिएट हुआ था। तो जितनी भी कंपनी मेडिसिन कंपनी, इन्होंने डे नाइट काम करके ऐसे सिचुएशन पे काबू पाने के लिए डे नाइट काम करना चाहिए और प्रोडक्शंस करना चाहिए। लोगों को अंदर जो शॉर्टेज, जो किल्लत है, जो ब्लैक मार्केटिंग किल्लत की वजह से, शॉर्टेज की वजह से होते हैं, शॉर्टेज ना हो, लोगों को आसानी से मिल जाए, या कलेक्टर इतना पर्याप्त कोटा हो कि हमारे को आगे मतलब आगे अगर तीसरा स्टेज भी आए तभी भी हमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरी सोच है। देखो, रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो थोड़ा जो निर्माण हुआ है, लोगों को जो असुविधा हो रही है, हम चाहते हैं कि जो महामारी का दौर चल रहा है तो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये इंजेक्शन जो है ये लोगों को फ्री मिलनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, इनको फ्री मिलनी चाहिए, ये मेरा मांग है। और इसकी वजह से हम लोग जितने भीम सैनिक हैं और जितने भीम सेना के जो कार्यकर्ता, राष्ट्रीय भीम सेना के जो कार्यकर्ता है, ये सबको हमने बोला कि दो चार दिन में अगर सरकार इस पर डिसीजन नहीं लेती है तो हम लोग तीव्र आंदोलन करेंगे। जहाँ भी अगर रेमडेसिविर कालाबाजारी होती रहेगी वहाँ पर कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण हम करेंगे, जो भी होगा हम उसको मतलब रोकने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो सही बात है कि हम चाहते हैं कि जितने भी जो मेडिकल स्टोर है जहाँ ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, सब हमको पता चल रहा था, हमारे जो कार्यकर्ता जाके देख रहे हैं कि सब हो रहा है, इस बारे में मतलब इंक्वायरी कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम जो है पुलिस, स्थानीय प्रशासन को हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि इस तरह का जो काम है उसको रोका जाए। देखो, सिस्टम ने जो पहले बोला था बीच में कि हमें जो हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर्स होंगे उनके पास ये साटा जाएगा, लेकिन उससे उनसे उधर जाने से अच्छा बेटर है कि जहाँ कोविड हॉस्पिटल, जहाँ पर कोविड पेशेंट पूरी तरह से एडमिट है तो उधर ही साटा जाए ना प्रॉपर, तो उससे ज़्यादा सुविधा मिलेगी। नहीं तो फिर उसमें ऐसा होगा कि ये हॉस्पिटल सरकारी, हॉस्पिटल प्राइवेट है, उनको ज़्यादा मिला, इनको कम मिला, ये सब चीज़ें चालू होगी। पर जहाँ कोविड पेशेंट्स होंगे वहाँ पर सरकार ने डायरेक्ट जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर मिल जाए जो भी कोटा है, और जो कोविड पेशेंट इंजेक्शन है उनको ही मिलेगा। और ये मार्केट में जैसे वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा था, उसी तरह से रेमडेसिविर मार्केट में मिलना नहीं चाहिए, ओपन मार्केट में मिलना नहीं चाहिए, ये सरकारी हॉस्पिटल्स में या जहाँ पर हॉस्पिटल जो कलेक्टर्स हो, जहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो, तो वहाँ से कोटा उनको जाना चाहिए। संजय श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।